नमस्कार, मैं खुशवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 12 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उदया तिथि में रक्षाबंधन त्योहार आज मना रहे बिहारवासी। एसएससी ने 4300 रिक्त पदों पर निकाली बंपर भर्तियां। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए अहम सूचना। अब आप अपने खोए हुए मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। सीबीआई और ईडी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उदया तिथि में रक्षाबंधन त्योहार आज मना रहे हैं बिहारवासी। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 11 अगस्त और 12 अगस्त की उलझनों के बीच बिहारवासी आज यानी 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। दरअसल सावन पूर्णिमा बीते दिन सुबह 9:35 से शुरू हुई। हालांकि भद्राकाल रहने के चलते ज़्यादातर लोग राखी का त्यौहार शुक्रवार यानी आज 12 अगस्त को मना रहे हैं। मिथिला और बनारस पंचांग के जानकार रक्षाबंधन उदया तिथि 12 अगस्त शुक्रवार को ही मनाने को लेकर एक मत थे। इस बीच आज राज्य भर में राखी को लेकर लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। एसएससी ने 4300 रिक्त पदों पर निकाली बंपर भर्तियां। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 4300 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएशन पास होने के साथ ही हाइट, वेट और चेस्ट के आवश्यक निर्धारित नाप होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 30 अगस्त 2022। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर जरूर चेक करें। अब आप अपने खोए हुए मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। अब आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट खोने पर परेशानी नहीं होगी और ना ही मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट खो जाने की स्थिति में अब बिहार बोर्ड के चक्कर काटने की जरूरत होगी। बिहार बोर्ड ने अपने छात्रों की परेशानी को समझते हुए 39 साल के सभी सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दिए हैं। अब ऐसे में जो भी छात्र इस बात से परेशान थे कि उनका सर्टिफिकेट खो गया है, वो अब घर बैठे अपना मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण छात्र अपना अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी के लिए ईमेल से आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र उनके ईमेल पर ही भेजे जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उनका जन्म बिहार के ही पटना जिले के बांकीपुर में 1 जुलाई 1882 को हुआ था। उनके जन्मदिन 1 जुलाई भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 से लेकर सन 1962 तक वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें बंगाल का निर्माता माना जाता है। देश और समाज के लिए की गई उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया है। तेजस्वी यादव को मिली जेड सिक्योरिटी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में अब जेड सिक्योरिटी दी गई है। तेजस्वी यादव अब जेड सुरक्षा में रहेंगे। उनके सुरक्षा घेरे में कुछ वैसा ही नजारा दिखेगा जो मुख्यमंत्री के लिए होता है। आपको बताते चले कि न सिर्फ तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई है बल्कि उनके काफिले में शामिल वाहनों को भी बदल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव को बिहार सरकार की ओर से जो कार मुहैया कराई गई है वो बुलेट प्रूफ है। पटना विश्वविद्यालय के एडवांस रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य हुआ शुरू। पटना विश्वविद्यालय में एडवांस्ड रिसर्च सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा करीब 8 करोड़ रुपए से G+3 भवन का साइंस कॉलेज में भौतिक डिपार्टमेंट के पास शुरू किया गया है। वहीं 3 करोड़ की राशि से अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद भी की जाएगी। एडवांस रिसर्च सेंटर को अगले सत्र 2023-24 में छात्रों को शोध कार्य के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के अलावा दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र भी उक्त केंद्र का उपयोग कुछ आंशिक राशि का भुगतान कर सकेंगे। उक्त केंद्र के शुरू हो जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय में शोध कार्य में तेजी आएगी और नैक में भी विश्वविद्यालय की रैंकिंग पहले से अपग्रेड होगी।
सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा हुए भाजपा पर हमलावर। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने भाजपा को सही जवाब दिया है जो उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया था। बीजेपी ने धनबल का प्रयोग करके महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सत्ता छीन ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका सही जवाब दिया है। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जनता इसका फैसला करेगी कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के अलावा विपक्षी खेमे से कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार के दावेदार होंगे, लेकिन सारे विपक्ष मिलकर अब देश से मोदी राज खत्म करने का काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एक साथ है। विष्णुपद मंदिर इस वजह से है बेहद खास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पिंडदान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ये हैं बद्रीनाथ का ब्रह्म कपाल क्षेत्र, हरिद्वार का नारायणी शिला क्षेत्र और बिहार का गया क्षेत्र। तीनों स्थान के पितरों की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इनमें गया क्षेत्र का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्थित हैं कुछ ऐसे दिव्य स्थान जहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। इसी गया क्षेत्र में स्थित है अति प्राचीन विष्णुपद मंदिर जो सनातन के अनुयायियों में सबसे पवित्र माना गया है। मंदिर इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता भी यहाँ आए थे। यह वही स्थान है जहाँ माता सीता ने महाराज दशरथ को पवित्र फल्गु नदी के किनारे बालू से बना पिंड अर्पित किया था। इसके बाद से इस स्थान पर बालू के पिंड दान की प्रथा है। मुख्यमंत्री को मिले दो पर्सनल सेक्रेटरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना सचिव भी मिल गया है। बीते दिन बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दिनेश कुमार राय मोहम्मद मकसूद आलम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप्त सचिव बनाया गया है, जिसकी अधिसूचना भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब कैबिनेट विस्तार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 15 अगस्त से पहले ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब यह विस्तार 15 अगस्त के बाद ही होगा। मुख्यमंत्री ने भी यही जानकारी दी है। बिना इंटरनेट के इस्तेमाल कर पाएंगे गूगल मैप। गूगल मैप्स जल्द अपने यूजर्स के लिए खुशखबरी देने जा रहा है। अब आप बिना एक्टिव इंटरनेट के मैप का इस्तेमाल कर सकेंगे। 2022 के अंत तक इस फीचर की शुरुआत हो जाएगी। एक अमेरिकन टेक एक्सपर्ट ने इसकी जानकारी दी है। सैमसंग के एक इवेंट में उन्होंने कहा कि गूगल जल्द वियर ओएस को लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें ऑफलाइन मैप एक्सेस करने की सुविधा दी जाएगी। वियर ओएस एक खास प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्ट वॉच और दूसरे वियरेबल्स के लिए बनाए गए हैं। अभी इस पर काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह बिना एक्टिव इंटरनेट के मैप्स संचालित करने का ऑप्शन देगा। इसमें गूगल प्ले स्टोर को एक्सेस करने और एप्स डाउनलोड करने की क्षमता होती है। यह ब्लूटूथ, वाईफाई, 3G और 4G को भी सपोर्ट करता है। सृजन घोटाले के 16 आरोपी को सरेंडर करने का मिला आदेश। बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में पटना स्थित सीबीआई की स्पेशल टीम ने 16 आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, जिसमें 11 बैंक कर्मी, सरकार के 4 कर्मी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। सीबीआई ने इन सभी आरोपियों और उनके संस्थान को सरेंडर करने को कहा है। इसके लिए उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। अब आरोपियों द्वारा सहयोग नहीं करने पर सीबीआई ने गैर जमानती वारंट हासिल किया है। सीबीआई ने इन सभी आरोपियों और उनके संस्थान को सरेंडर करने को कहा है। अगर इस बीच आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो सीबीआई कोर्ट से इस्तेहार वारंट लेकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेगी। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए अहम सूचना। अटल पेंशन योजना का लाभ ले रहे लोगों के लिए अहम खबर है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है वह एपीवाई में शामिल होने के योग्य नहीं होगा। हालांकि जारी की गई अधिसूचना उन लोगों पर लागू होगा जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं। अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई अंशधारक जो 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकर दाता रहा है तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि उससे दे दी जाएगी। मालूम हो कि इस योजना के तहत उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र को होने के बाद गारंटी के साथ 1000 से 5000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।
सीबीआई और ईडी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। सत्ता में आते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई और ईडी पर हमलावर हो गए हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने का टास्क मिला था, इन नेताओं ने काम पूरा नहीं किया, इसलिए बीजेपी वाले गुस्सा में हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ आरोप लगाना जानती है, लाख कोशिशों के बाद भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। जब मेरी मूंछ नहीं आई थी तब मुझ पर केस लिया गया था। उन्होंने जांच एजेंसियों पर तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी मेरे घर में ही कार्यालय खोल ले, इससे ज्यादा और मैं क्या कुछ कर ही सकता हूँ। हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। बिहार के हवाई अड्डों के सुधार के मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। दरअसल चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा गौरव सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। इससे पहले की सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट में राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए। वहीं सारे मामलों को सुनते हुए कोर्ट ने पूरी स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में जवाब देने को कहा है। आज भी आसमान में छाए रहेंगे बादल। बिहार में पिछले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ सा है। हवाओं की गति तेज है, आसमान में बादल छाए रहते हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्से में तेज हवा चलने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। हालांकि बिहार में बारिश की गतिविधियां बेहद कम और न के बराबर है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज कई जगहों पर ठनका गिरने की आशंका है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले लोगों की बिहार में ही होगी मेडिकल जांच। बिहार से विदेशों में नौकरी के लिए जाने वाले लोगों को मेडिकल जांच कराने के लिए अब राज्य से बाहर नहीं जाना होगा। विदेश जाने वाले लोगों की मेडिकल जांच अब पटना में ही होगी। इसके लिए 9 स्वास्थ्य संस्थानों की सूची तैयार की गई है और इन्हें मान्यता भी मिल गई है। अधिकारियों के मुताबिक जांच के नाम पर लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, साथ ही वहां एक सप्ताह से अधिक रहना पड़ता था। इस संदर्भ में बिहार झारखंड की प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेटर्स ताविश बहल पांडे ने कहा कि देश से बाहर काम करने के लिए जाने वाले लोगों की मेडिकल जांच अनिवार्य है। पटना में अब इसकी सुविधा 9 सेंटरों पर शुरू हो गई है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस गांव-गांव में लगाएगी चौपाल। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस की ओर से बीते दिन बताया गया कि महंगाई को लेकर गांव-गांव में चौपाल आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस 17 से लेकर 23 अगस्त तक पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में महंगाई चौपाल आयोजित करेगी। इस अभियान का समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महंगाई पर हल्ला बोल रैली में होगा। रैली में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वैध विरोध को काला जादू बताकर कलंकित करने की कोशिश की है। इससे पता चलता है कि भाजपा इस मुद्दे पर कितनी असुरक्षित है। भाजपा सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में विफल रही है। खेल दिवस के अवसर पर रणजी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। खेल दिवस की पूर्व संध्या यानी 28 अगस्त को पटना के पूर्व रणजी खिलाड़ियों का सम्मान अंशुल होम्स द्वारा किया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष और पटना जिला क्रिकेट संघ के पूर्व संयुक्त सचिव अरुण कुमार सिंह और अंशुल होम्स के निदेशक राहुल सिंह ने संयुक्त रूप जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पटना जिला से रणजी तक का सफर करने वाले खिलाड़ियों के नामों का चयन कर जल्द घोषित की जाएगी। संयोजक पूर्व रणजी खिलाड़ी रूपक कुमार को बनाया गया है। इस समारोह में इस वर्ष हुए सीनियर और जूनियर डिवीजन लीग से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एक एक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। राजद सदस्यता अभियान की सूची हुई जारी। राजद ने सदस्यता अभियान की सूची जारी कर दी है। बताया गया है कि इसमें लक्ष्य से करीब 6 लाख अधिक लोगों को राजद से जोड़ा गया है। वहीं राजद ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत इस साल फरवरी से शुरू हुई थी। इसके तहत 1,05,97,009 नए सदस्य बनाए गए हैं। राजद के राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी के अनुमोदन के पश्चात सांगठनिक वर्ष 2022-25 के लिए राजद सदस्यों की सूची का प्रकाश कर दिया गया है। बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले गुंडा राज आ गया है। जदयू के एनडीए से बाहर निकलने के बाद से बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय भी लगातार बिहार में बनी नई सरकार पर हमलावर हैं। इस दौरान नित्यानंद राय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक तरफ आरजेडी की गोद में बैठे जदयू के साथ महागठबंधन आया तो उसके साथ बिहार में महागठबंधन का गुंडा राज भी आ गया। जगह जगह से लूट अपराध की खबरें आने लगी हैं, इसलिए आरजेडी के साथ गए थे ना श्री नीतीश कुमार जी, जवाब दीजिए।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगल शासक ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। इसे राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आमिर खान को उनकी फिल्म तारे जमीन पर के लिए गोलापुरी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड 2008 में प्रदान किया गया। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी रंगराजन को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष 2009 को नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर अपनी नियुक्ति के उपरांत राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म 1914 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म 1919 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे का जन्म 1972 को हुआ था। भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज सिडनी अरुणडेल का निधन 1945 में हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता विचारक और निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय का निधन 1982 को हुआ था और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जिम्बाब्वे दौरे से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। भारत को जिम्बाब्वे दौरे पर 18 से 22 अगस्त तक 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए वॉशिंगटन सुंदर को भी चुना गया है। लेकिन एक बार फिर चोट ने इस ऑलराउंडर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 11 अगस्त को मैनचेस्टर में रॉयल लंदन वनडे कप मैच के दौरान भारत के हरफन मौला खिलाड़ी को कंधे में चोट लगी। लंका शायर ने एक मीडिया पोस्ट में इस बात की पुष्टि की है। सुंदर मैच के दौरान कंधा चोटिल कर बैठे हैं। फील्ड पर इलाज के बाद उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। हालांकि कि उनकी चोट कितनी गंभीर है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लंका शायर ने ट्वीट कर कहा कि वॉशिंगटन सुंदर ने एक भारी लैंडिंग के बाद अपने बाएं कंधे का इलाज कराने के बाद मैदान छोड़ दिया है। संजय जायसवाल ने कहा अकेले चुनाव लड़कर दिखाए नीतीश कुमार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी, अपने दम पर दोनों चुनाव जीतेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन की सरकार बनाने पर जदयू के प्रति जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी के काम के बदौलत केंद्र और राज्य में दो तिहाई बहुमत से अगली बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को मोहरा बना रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो जदयू को मजबूत किया था, असली बात यह है कि जदयू के नेता ही नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। मणिपुर से बिहार आए जदयू के विधायकों ने पदाधिकारियों से की मुलाकात। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद मणिपुर से आए जदयू विधायकों ने बीते दिन पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात की है। बता दें कि इस दौरान कई बातों पर विमर्श भी हुआ। साथ ही इस दौरान बिहार जदयू के पदाधिकारियों ने मणिपुर से बिहार आए जदयू के विधायकों को पटना के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाया, साथ ही पटना म्यूजियम का भी भ्रमण करवाया गया। इस दौरान मणिपुर से आए विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार की कल्पना की भूरी भूरी प्रशंसा की। मणिपुर से आए विधायकों ने नई सरकार के गठन पर उन्हें बधाई भी दिया। मणिपुर से बिहार आने वाले नेताओं में मणिपुर विधायक दल के नेता जयकिशन सिंह, अरुण कुमार सनाटे, एल एम खोटे, मोहम्मद असाबुद्दीन एवं हाजी अब्दुल नासिर शामिल हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 150 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर 120 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 900 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 1, बांका में 2, भागलपुर में 8, भोजपुर में 2, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 2, जमुई में 1, जहानाबाद में 3, कैमूर में 4, किशनगंज और कटिहार में 2, लखीसराय, मधेपुरा और मधुबनी में 1, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 1, पटना में 42, पूर्णिया और रोहतास में 8, सारण में 9, शेखपुरा में 3, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 1, सुपौल में 4, वैशाली में 1 और वहीं 2 ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन कोरोना सैंपल बिहार में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 113,786 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 199 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमित प्रकाश, मोनू कुमार, अजय कुमार, विजय घायल, जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार सिन्हा, अनवर करीम खान, राजेश कुमार अरविंद, रविंद्र पासवान, परवेज आलम और अरुण कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का अपना वादा पूरा कर पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।